हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 1500 क्वेश्चन सीरीज है और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, UGC नेट, UP PGT, बिहार, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? मध्यस्थता करना, समझौता, सामूहिक सौदेबाजी, न्यायिक निर्णय। कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3, सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया है, भारत की शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कारण में है, शिक्षा की गुणवत्ता उसके नागरिकों को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। भारत की शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, शिक्षा की गुणवत्ता उसके नागरिकों को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। ये ऑप्शन भी सही है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान समाज की विशेषता है समरूपता, पारिवारिक श्रम, दलित स्थित श्रम का विशिष्ट विभाजन। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 4 3 1। राइट आंसर बताइए। किसान समाज की विशेषता है तो इसमें राइट आंसर होगा समरूपता है, पारिवारिक श्रम है, दलित स्थिति है। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग इसके सभी उदाहरण है। सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, सफेदपोश, अपराध, संघर्ष। भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग, ऑप्शन 3 राइट आंसर है, सफेदपोश अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्न क्रिमिनल की अवधारणा किसने दी? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, ट्रेड, गिलेन। बार्न क्रिमिनल की अवधारणा जन्मजात अपराधी की अवधारणा लोम्ब्रोसो ने दी है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सांस्कृतिक नृविज्ञान, होमो हायरार्की के जात का संहार, विविधताओं। 1 2 3 4, 2 3 4 1, 1 4 2 3, 3 1 4 2। एक तरफ अवधारणा है, दूसरी ओर विचारक हैं, मैच करना है। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा सांस्कृतिक नृविज्ञान, ये है एनके बोस का। होमो हायरार्किकस लुई ड्यूमा का है। जाति का संहार ये है B.R. अम्बेडकर का। विविधताओं ये है D.P. मुखर्जी का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया जाता है? लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, प्रोटीन विकसित करने के लिए, कायो इलेक्ट्रॉल माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। दो हजार उन्नीस में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीकरण द्विध्रुवी विकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। द्विध्रुवी विकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही सही हैं। यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सेट फर्स्ट लॉन्च किया था? अमेरिका, भारत, चीन, यूरोपीय संघ। राइट आंसर बताइए। अठारह अप्रैल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, 18 अप्रैल 2019 में। और इसका उद्देश्य था राष्ट्र की विकसित भौगोलिक जानकारी एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से किस संस्थान ने लिथियम सल्फर बैटरी बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की? आईआईटी बॉम्बे, बेट्स, आईआईएससी बेंगलुरु, डीआरडीओ। शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से किस संस्थान ने लिथियम सल्फर बैटरी बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्यथा विशिष्ट प्रतीक है को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के शिरों की सेवा के लिए पाया गया है। इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं। एडवर्ड हिल्स, एम फिदर स्टोन, लॉयड इरविन रोडोल्फ, जेम्सन फेडरिक। राइट आंसर बताइए। भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्यथा विशिष्ट प्रतीक हैं को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के शिरों की सेवा के लिए पाया जाता है। इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, लॉयड इरविन रोडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? 18, 60, 80, 108। शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में 18 परमाणु होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन अनुसंधान डॉट डॉट से संबंधित है। हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं। मूल्यांकन अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, हम कितना अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप हैं? आय समूह, जमींदार तथा आभासी, जात तथा वर्ग, प्रजातीय समूह। राइट आंसर बताइए।
सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप हैं। टीबी बोटो मोर ने सामाजिक स्थिरीकरण के चार स्वरूप बताए थे, दास्ता, स्टेट, जात और वर्ग। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जात तथा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद, लोक शहरी सातत्य, छोटी और बड़ी परंपराएं, गरीबी की संस्कृति, 2-3-4-1, 4-1-2-3, 4-3-2-1, 2-1-3-4। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद, ये है लुइस बिर्थ का। लोक शहरी सातत्य, ये है रॉबर्ट रेडफील्ड का। छोटी और बड़ी परंपराएं, मिल्टन सिंगर का है। गरीबी की संस्कृति, आजकल लेविस का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 2-3-4-1, 2-3-4-1 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, गारो, गूंड, गरासी या जारवा, 1-4-3-2, 4-3-1-2, 2-1-4-3, 4-1-3-2। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा गारो जनजाति, ये मेघालय में पाई जाती है। गोंड जनजाति बिहार में पाई जाती है। गरासिया जनजाति, ये राजस्थान में पाई जाती है। जारवा अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। राइट आंसर होगा 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। गारो मेघालय, गोंड बिहार, गरासिया राजस्थान, जारवा अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप के समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई घटना है, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, कॉस्मोपॉलिटन। राइट आंसर बताइए। लिव इन रिलेशनशिप के समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई घटना है। ऑप्शन इसमें फोर राइट आंसर है कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत की संरचना की प्रधानता को निम्नलिखित के लिए दी गई है, संरचना, एजेंसी, संरचना और एजेंसी दोनों, दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत की संरचना की प्रधानता को निम्नलिखित के लिए दी गई है। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है, वर्णनात्मक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, कार्यवाही अनुसंधान, ऊपर के सभी। राइट आंसर बताइए। कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, ऊपर के सभी, ये तीनों ही आते हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अनुसंधान के किस उद्देश्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे और अधिक वैध बनाकर, इसे और अधिक विश्वसनीय बनाकर, इसे और अधिक निष्पक्ष बनाकर, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। हम अनुसंधान के किस उद्देश्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह हुआ है जो मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान तथा शक्ति पर आधारित है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित। मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह हुआ है ऑप्शन 4 राइट आंसर है, मान शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, आधुनिक भारत में अंतर सरकारी संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है। कारण दिए गए, वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। ए और आर सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सत्य है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक भारत में अंतर सरकारी संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में ढकेल दिया है, क्योंकि वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। इसमें राइट आंसर है ए और आर सत्य है, आर ए के लिए स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है? छितरी हुई असमानताओं से संचयी असमानताओं तक, संचयी से छितरी हुई असमानताओं तक, जाति से लेकर वर्ग असमानता तक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? किसने तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जाति से लेकर वर्ग असमानता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च को डॉट डॉट के रूप में समझा जा सकता है। एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है, उपर्युक्त सभी। एक्शन रिसर्च को डॉट डॉट के रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसान के संबंध में सही नहीं है? किसान छोटी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में किसान मुख्य रूप से जात पदानुक्रम के मध्य वर्ग द्वारा दर्शाए जाते हैं। किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। हालांकि किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है, लेकिन वे अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए कई अन्य गतिविधियों का सहारा लेते हैं। राइट आंसर बताइए, कौन एक किसान के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, हालांकि किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में DWCRA का अर्थ है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ कैचमेंट रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, डायरेक्ट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डेवलपमेंट
ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रणाली जिसके तहत लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार मिश्रण सुविधा दी जाती है। परिच्छेदहीन विवाह, प्रायोगिक विवाह, करुणामय विवाह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है परिच्छा विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने जोर दिया कि यदि विकास नहीं किया गया तो यह संकट ग्रस्त है? यूएनडीपी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। यदि विकास नहीं किया गया तो यह संकट ग्रस्त है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? 1988, 2001, 2004, 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम ये महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है। भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया यह अधिनियम है। ये 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। और 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया था। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।